पेरिस भी आ गई। मैंने उसे जूलियट के रिश्ते के लिए बुलाया। लो आ गए पेरिस। सलाम सलाम। आप लोग मालिक, हम कल रात की दावत की तैयारी करवा रहे हैं। जी तशरीफ रखिए। तो कैसा रहा तुम्हारा सफर? खूब रहा। जब निगाहें किसी का इंतजार कर रही हो तो सफर का पता नहीं चलता। थक तो गए होंगे। थक तो हमारी आंखें गई हमने देखने के लिए। अब मुलाकात ही करवा दीजिए। अरे हम तो तुम्हें मुजाहिद समझ रहे थे, पर तुम तो शायर निकले। खूब है, जूलियट को तुम जरूर पसंद आओ। पर एक बात का ध्यान रहे, अगर जूलियट ने तुम्हें पसंद नहीं किया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तुम्हें बिना देखे ही पसंद कर लिया। क्या पता कि एक लोभी बेटी है जिनके अपात में हुनहार और भाई इतने का, हमें उनसे बेहद उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो हमें भी आपसे बेहद है। ठीक रखिए, आप तो जानते हैं कि हमारे वालिद यहां के जाने माने सरदार हैं। हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ना किसी नवाब से रिश्ता जोड़ने से कम नहीं है। ये बात तो किसी से नहीं छिपी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर तुम्हें हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ना है तो तुम्हें किसी मोंटेग्यू का खून लेके आना होगा। हम भी नवाबों के खानदान से हैं। सियार के खून को हाथ लगने लगा। मानना ही था तो किसी मोंटेग्यू का सम्मान दे। वैसे भी हमारी तलवार कुछ सूखी लग रही है। लगता है हमारी खूब बनेगी। जी कल दावत पर जरूर आना, खास आपके लिए रखी। वहां जूलियट से भी मुलाकात कर लेना। जरूर जरूर। अभी आप अपनी ख्वाब का मेरा नाम फरमाइए, हम आपसे कल मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन जो नशा महबूब की बाहों में आया होता लड़कियों की बाहें नहीं होती। फांसी का फंदा होता है। क्या तुम्हें कभी इश्क नहीं हुआ मेरे दोस्त? इश्क, इश्क कमजोर लोग करते हैं, हमें तो इस तलवार से इश्क है। किसी हसीन की जुल्फों पर लहराते देखा, उसे देखने को इश्क कहते हैं। हम तो उनकी जुल्फों के नीचे गर्दन पर नजर टिकाए बैठे। कभी छुआया किसी की आंख, कभी उनकी नमी को बढ़ा है। गर्मियों के दिनों में कमर से टपकता पसीना देखा है कभी? लगता है तुम्हें कभी इश्क नहीं हुआ। जब इतनी हसीनाएं हो तो किसी एक से इश्क कैसे करें? हमें तो कोई हसीना है नहीं, तभी तो इस कलम से इश्क कर रहे हैं। ये कलम हमें दे दो, हम इससे किसी हसीना मैजुलीना के हुस्न पर लिखेंगे। हमारी कलम को जो छूता है हमें पसंद नहीं। अरे तुम तो थमाओगे मेरे दोस्त, आओ बैठो, हम तुम्हारी शायरी सुनेंगे अगर तुम हमारे साथ कैफे की दावत पर चलोगे।
छुपा दो उसे, जानते हो कितनी मुश्किल से लिया है। पर ठीक है, दोस्त के लिए कुछ भी, तुम कहते हो तो हम मार देते हैं। जरूर किसी दोस्त ऐसा से लिया होगा तुमने। चलो ना चलते हैं, फेस बदल कर जाएंगे। शायद वहां तुम्हें कोई हसीना पसंद आ जाए और तुम्हें इश्क हो जाए। इश्क का तो पता नहीं, पर शायद कोई हसीना हमारी रातें रंगीन कर दे। हसीनाओं की तैयारी कीजिए कि सभी मेहमान देखते रहते हैं, किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। Yeah, yeah.
करने पर तुम्हें सजा मिल सकती है। पर तुमने तो हमें कुछ नहीं कहा, बेरुखी भी नहीं दिखाई। तुम हमारी बेरुखी के लायक नहीं, हम जा रहे हैं। रुक जाओ, आप जैसी हसीना को अकेला नहीं छोड़ सकती, कोई आ गया तो। हमें अपनी हिफाजत करना आता। तो फिर मैं जाऊं? रुक जाओ, अपना नाम तो बताते जाओ। नाम में क्या रखा है? अगर तुम गुलाब को गुलाब ना कहते तो क्या वो इतना हसीन ना होता? तो फिर बता दो ना, इस रात और इस चेहरे को एक नाम मिल जाएगा। रोमियो।
Thank you.
Thank you.
अपने अब्बू जान से नाराज की कैसे? तुम्हारा भाई जी मुझे छोड़कर मेरी गलती कौन सी है? तुम्हें काम करो, उस प्यारी से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा शोहर साबित होगा। चलो, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना। अपने अब्बू जान की बात सुनोगी ना? सुनोगी ना अपने अब्बू जान की बात? पैरिस तुम्हें तुम्हारे कर्म से उबरने में मदद करेगा, और तुम जानती हो ना कि हम ना नहीं सुनते। यहां तुम पहुंचो और निकाह की तैयारियां करो। उसके बाद तू फिर से जाग जाएगी और तेरा रोमियो
मुझे यहां से बहुत दूर ले जाएगा। बोला तेरे साथ है बच्ची, अपने प्यार को पाने का तेरे पास महज यही एक रास्ता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए अब तुम यहां से, खुदा ना करे कोई तुम्हें ना देखे। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। जी
जिंदगी की सबसे मुश्किल गरीब मेरी चाह मेरी मोहब्बत मेरे इतने पास होंगे मैं मुझसे दूर तुम मेरी ना हो सकी जिंदगी में बस मौत पर मैं तुम्हें पाना चाहता उस खुदा के सामने जाके पूछूंगा तुम्हें कि क्या तुम्हारी जिंदगी में मिला कोई ना या अल्लाह अगर तुम मौजूद है इन बादलों में जिसकी पिछली इसकी पिछली मुझ पर गिरा और मुझे मेरे महबूब के पास ले इस जहां में फंसता है तो सहना कर दे और मेरे महबूब से नहीं जूलियट